नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल क्षत्रिय समाज स्वाभिमान समारोह संपन्न हुआ। स्वर्गीय खेत सिंह खंगार स्मृति में ब्रजमंडल क्षत्रिय खंगार राजवंश युवा समिति के द्वारा राजपूत एकता स्वाभिमान समारोह का आयोजन हाईवे के समीप देवीपुरा में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर मलखान सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समिति के द्वारा दो जोड़ों का विवाह भी कराया गया। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ठाकुर मलखान सिंह दद्दा व मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा, ऐसे कार्यक्रम समिति के द्वारा करते रहना चाहिए। मथुरा से कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादू उनकी रिपोर्ट। जो महाराजा खेत सिंह का जो हर वर्ष मनाया जाता है वो आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या क्षत्रिय महासभा का पूरा प्रदर्शन होता है और नई दिशाएं नई कड़ी जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं कि जो कुरीतियां हैं ये बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि देश खतरे में है, देश खतरे में गुजर रहा है, परिस्थिति खराब हो रही देश की। चाहते एकजुट होगा सारा क्षत्रिय और अन्य कौम तो इस देश के लिए बहुत भलाई का काम है। आज महाराजा खेत सिंह जी की पुण्यतिथि है। आज महाराजा खेत सिंह जी को बड़े तिथि को बड़े धूमधाम से देवीपुरा गांव में खंगार समाज की तरफ से, क्षत्रिय महासभा की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें जो हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए संकल्प लिया जा रहा है और जो गरीब कन्या हैं उनकी शादी की जा रही है। मैं अपनी तरफ से, क्षत्रिय महासभा की तरफ से, सभी टीम की तरफ से उन दोनों कन्याओं को, वधुओं को आशीर्वाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके जीवन में खुशी रहें। और हमारे सम्मेलन में जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है वो जोर शोर से चल रहा है और जातिगत आरक्षण है वो समाप्त की एक रणनीति बनाई जा रही है, ये हमारे सम्मेलन में चल रहा है।